तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे, कम से कम 100 वर्ड तो आज डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है भाई। और ये है आपकी ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी, बहुत ही मस्त बुक है। अगर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसको मैं पूरी करा दूंगा। 10-12 दिनों में हम इसको पूरी कर देंगे। मैं पूरी वीडियो बना के इस पर डाल दूंगा, 10-12 वीडियो जितनी बनेंगी, 10 से 12 बनाने की कोशिश करूँगा मैं। 10 से 12, 20 भी कर सकता हूँ क्योंकि इसमें वर्ड काफ़ी सारे हैं, ठीक है। किसी में 100, किसी में 200, ऐसे करके वर्ड डालेंगे और आप जैसे चाहते वैसे बता देना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज इसकी दूसरी, पहली वीडियो में मैंने, ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो में मैंने 15 वर्ड आपको शायद बताए थे। आज उसी 15 वर्ड से कम हम 100 वर्ड डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। तो आपको बस करना क्या है, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने ये चैनल नया है मेरा और आपको मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत आप भी, आपका सहयोग भी चाहिए। तो आपका सहयोग बस इतना सा चाहिए कि आप केवल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा भाई, पूरी बुक मैं कराऊंगा। और हाँ, इंग्लिश 2019 के लिए इंग्लिश वोकेबलरी और ग्रामर का पूरा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने 2018 CGL में अच्छे, काफ़ी मेरे अच्छे नंबर आए हैं इंग्लिश में। प्री में मेरे 42 नंबर थे इंग्लिश में, और मेंस में भी स्कोर आना बाकी है, ठीक है। CHSL में भी मेरे 46 नंबर थे इंग्लिश में। तो मैं मुझे पता है सारा इंग्लिश का कंटेंट कहाँ से कहाँ तक SSC का सीमित है, तो वो मैं आपको पूरा दे दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीडियो पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो मैं आपको वहीं ले चलता हूँ जहाँ से मैंने बंद किया था। हमने पढ़ लिया था 15 वर्ड तक एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता था रिचुअल वॉशिंग ऑफ प्रीस्ट हैंड्स, शुद्धिकरण है, ठीक है। कभी कभी इसकी मीनिंग SSC में ऑप्शन आया था वॉशिंग, नहाना, या बाथिंग ऐसे करके ऑप्शन आया था, धोना नहाना, तो वो शुद्धिकरण होता है, आप देख लेंगे केवल, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आपको मैंने बता दी थी लास्ट में। अब आते हैं अगले वर्ड पर, अवॉर्ड। अवॉर्ड होता है सवार होना किसी चीज़ पर, ठीक है। और ऑन, और ऑन टू अ शिप, प्लेन, बस और ट्रेन। बस, ट्रेन, सिप, किसी चीज़ पे बोर्डिंग करना, जानते हो ना, ट्रेन का आप टिकट बुक कराते होंगे तो बोर्डिंग लिखा हुआ था उसमें, तो बस एबोर्ड होता है सवार होना। मेरा भाई एक चीज़ और, मेरी इंग्लिश इतनी मजबूत नहीं रही, पहले तो प्रोनंसिएशन में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो आप उसको, ठीक है, देख लेना। अब चढ़ते हैं अगले वर्ड पर, एबोडे। एबोडे होता है ए प्लेस वेयर समबडी लिव्स, जहाँ कोई भी निवास करता है, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे याद किया था, ऐसे ही मैं कुछ ट्रिक से भी वर्ड याद किए जाते हैं, तो आप इसको याद करो, ए बुड्ढे तो यहीं रहता है क्या, ऐसे करके याद कर लो, आपको ये वर्ड हमेशा याद आ जाएगा। अगला है एबोलिस। एबोलिस माने किसी चीज़ को समाप्त कर देना। समाप्त कैसे करेंगे आप, फॉर्मली जो सिस्टम सरकार के द्वारा किया जाता है ना समाप्त, वही होता है एबोलिस। जैसे आप इसके मीनिंग पढ़ते हैं, फॉर्मली हम आपको बता दें, फॉर्मली पुट एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन है। किसी भी चीज़ का आप फॉर्मली गवर्नमेंट की तरफ से समाप्त किया जाना होता है, एवोलिस कर देना है, ठीक है। जैसे धारा 370 का एवोलिस कर दिया गया, ऐसे करके हम बोल सकते हैं। एबोमिनेबल होता है घिनौना, डिटेस्टेबल, जिससे हम नफरत करें, घिनौना, अच्छा ना हो, ठीक है, वो होता है क्या, एबोमिनेबल, ठीक, आपका एबोमिनेबल घिनौना। अनइक्विवोकली डिटेस्टेबल, ठीक है, जो सही, अनइक्विवोकली होता है जो सही रूप से नहीं बोला गया हो, घिनौना भाषण हो, उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। एबोर्ट होता है आपका अधूरा छोड़ देना, टू एन एंड ऑफ, और काउज टू एंड बिफोर समथिंग हैज़ बीन कम्प्लीट, किसी काम के पूरे होने से पहले उसे ख़त्म कर देना, बंद कर देना, ठीक है, क्योंकि तुम्हें लग रहा था वो काम फेल हो सकता है, बिकॉज इट इज़ लाइकली टू फेल, तुम्हें लग रहा था कि ये काम फेल हो सकता है या फिर ये काम सही नहीं होने वाला, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं करने वाला, तो उसको हम बोल सकते हैं एवोर्ट, ठीक है। अगला है एबोर्शनिस्ट। एबोर्शनिस्ट होता है, एबोर्शनिस्ट आप जानते होंगे ना, जो गर्भपात कराती हैं, लेडीज़ होती हैं या फिर आदमी भी हो सकता है, वैसे ज़्यादातर लेडीज होती हैं। ए पर्सन हु शुड बी ए डॉक्टर, ये डॉक्टर भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा गाँव में कुछ महिलाएँ होती हैं वो करा लेती हैं। हु टर्मिनेट्स द प्रेगनेंसीज़, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला है एब्रिज। एब्रिज को मैंने कैसे याद किया था आपको मैं बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, मतलब किसी भी राइटिंग को बहुत शॉर्ट में लिखना, उसका सेंस बिल्कुल भी लूज नहीं करना है हमको, संक्षिप्त में लिखना, लेकिन हाँ वो राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब बहुत बड़ा उसका अर्थ निकाला जा सके, ठीक है। तो एवरेज होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ में लाना, लेकिन उसका सेंस जो है बिल्कुल भी बदलेना,
ठीक है, वो होता है एवरेज। एवरेज को मैं याद कर सकते हैं ए ब्रिज, ब्रिज कितना लंबा होता है ना, तो हम ब्रिज को अगर छोटा कर दें तो हमें बड़ी आसानी होगी। तो एवरेज से हम इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, मेरी समझ से, मैंने ऐसे ही याद किया था, मुझे अभी भी याद है ये वर्ड। अगला है आपका एवरेजमेंट, ठीक है, एवरेज होता है संक्षिप्त करना है, तो एवरेजमेंट होगा संक्षिप्तीकरण करना, आपको सीधा दिख रहा है। ए शॉर्ट एंड वर्जन ऑफ रिटन वर्क, किसी चीज़ को हम शॉर्ट कर चुके हैं तो वो होता है एवरेजमेंट। अगला है एब्रोगेट करना, एब्रोगेट होता है आपका वही सिनोनिम होते हैं एब्रोगेट और मैंने तुम्हें एवोलेस बताया था ऊपर कुछ देर पहले, एब्रोगेट और एवोलेस एक तरह से सिनोनिम ही है, ठीक है। एब्रोगेट भी आपका उसी चीज़ में ऑफिशियली किसी चीज़ को रिवील करने के लिए या लॉ को ख़त्म या एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए होता है यूज़, अभिनिषेध करना, ठीक है, एब्रोगेट करना। अगला है एब्सकॉन्डर, एब्सकॉन्डर आप जानते ही होंगे, एब्सकॉन्डर आपका होता है ए फ्यूगेटिव भगोड़ा, ठीक है, हु रन्स अवे एंड हाइड्स टू अवॉइड अरेस्ट प्रोसिक्यूशन। मतलब अगर मान लो किसी को जेल हो जाए, किसी को सज़ा हो जाए, ठीक है, अब वो जेल से बचने के लिए, भागने के लिए वो छुपे कहीं भी, तो उसे बोलते हैं एब्सकॉन्डर्स, ठीक है, और फ्यूगेटिव भी इसका सिनोनिम होता है जो इसमें लिख रहा है आपका, ठीक है, फ्यूगेटिव है। अगला बार चलते हैं एब्सेंटिज्म, एबसेंट होता है हैबिचुअल एबसेंस फ्रॉम वर्क, जो काम से अनुपस्थित रहे, जिसकी आदत हो अनुपस्थित रहने की ज़्यादातर काम से, तो होता है एबसेंटिज्म। अगला है ऑब्सोल्यूट मानी पूरे तरीके से, वन हु इज़ परफेक्ट, पूर्ण है, कंप्लीट, फ्री फ्रॉम इम्परफेक्शन, ठीक, ऑब्सोल्यूट आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड पे चलते हैं एब्सटेन, एब्सटेन होता है आपका किसी चीज़ से बचना, ठीक है, एब्सटेन मानी बचना, टू चूज नॉट टू यूज अ वोट एदर इन फेवर ऑफ अगेंस्ट समथिंग, मतलब किसी चीज़ से बचना, किसी की चीज़ के फेवर में ना होना, ठीक है, होता है एब्सटेन, ठीक है। एब्सटेन के साथ एक फ्रेजल वर्ब लगती है फ्रॉम, एब्सटेन के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगती है हमेशा, सॉरी, और ये बहुत आता है, काफ़ी पूछा जाता है एरर्स में, एब्सटेन दे देंगे, ऑफ दे देंगे, टू दे देंगे, विद दे देंगे, लेकिन एब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम आता है। अगला वर्ड चलते हैं हम, अगला वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूज, डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड, ओके, जो चीज़ कम्प्रिहेंशन करने में डिफ़िकल्ट हो, यानी जटिल हो, जिसको पढ़ने में कठिन लगे, ठीक है, उसके हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रूज बोलते हैं, ठीक है। अब है एब्सर्ड, एब्सर्ड होता है बेतुका, कम्प्लीट रिडिकुलस होता है, जो मतलब उल्टी सीधी बातें करता है, उसे हम बोल सकते हैं एब्सर्ड। अगला है एबंडेंस, एबंडेंस होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रचुरता हो किसी चीज़ की, लार्ज क्वान्टिटी हो, बहुत ही ज़्यादा मात्रा हो, अत्यधिकता हो किसी चीज़ की, उसे बोलते हैं एबंडेंस, यानी कि अ लार्ज क्वांटिटी दैट इज़ मोर देन एनफ, जो एनफ से भी बहुत ज़्यादा है, जैसे हमारे यहाँ पॉपुलेशन इंडिया में एबंडेंस है, ठीक है, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं इसको। अगला है भाई प्रोनंसिएशन, अगर मेरा प्रोनंसिएशन सॉरी अगर थोड़ा गलत हो जाए तो आप उसको मतलब कमेंट मत मारना कि मतलब आप ये वो, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ थोड़ा बहुत मेरा हो सकता है प्रोनंसिएशन गलत। अगला है एवंडेंस हो गया हमारा, एकेडेमिसिज्म, मतलब ये वर्ड मेरे पे संभल के पढ़ा नहीं आ रहा, तो हम इसका देखते हैं, ये मैंने भी पहली बार पढ़ाया आज, ऑर्थोडॉक्सी ऑफ ए स्कॉलेस्टिक्स वेराइटी, यानी कि विद्वान किस्म का रूढ़िवादी, विद्वान किस्म का रूढ़िवादी, चलो इसको अगली वीडियो में हम डेफिनेशन के साथ अच्छे से करेंगे, आज मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगला है एकेडमी, ए स्कूल कॉलेज फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, एकेडमी तो आपने पढ़ा ही होगा काफ़ी सारा वर्ड, ए स्कूल कॉलेज फॉर स्पेशल ट्रेनिंग, यहाँ प्रशिक्षण होता है, यानी प्रशिक्षण शाला। अगला है एकोलेड करना, किसी को सम्मान करना है, किसी की प्रशंसा करना भी एकोलेड होता है, ठीक है, एकोलेड आपको जो वर्ड है ये काफ़ी प्रेज का सिनोनियम की तरह भी पूछा जाता है कभी कभी, याद रखना, और सम्मानित किसी को किया जाए तो हम बोल सकते हैं एकोलेड करना, जैसे प्रधानमंत्री जी को अभी एकोलेड किया गया था कहाँ पे, बहुत सारे देशों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार थे, तो ऐसे ही करके यह है प्रेज करना, आप प्रेज भी कर सकते हैं तो एकोलेड भी लगा सकते हैं, ठीक है, या एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट, किसी अचीवमेंट के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उस पीपल को सराहना करने के लिए, एडमायर करने के लिए, वो होता है एकोलेड करना, ठीक है। अगला है एकम्प्लिस, एकम्प्लिस होता है जो किसी चीज़ में, देखो भाई क्राइम में या किसी गलत काम करने में किसी के आप अगर भागीदार बन जाओ, ठीक है, तो आप सह अपराधी कहलाओगे, तो होता है एकम्प्लिस, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला है एकोड, एकोड होता है भाई साहब आपका किसी चीज़ के अनुरूप होना है, सिंपैथेटिक कंपैटिबिलिटी, मतलब किसी चीज़ के एक तरफ से अनुरूप होना, एकोड, आई एम एकोड टू दैट,
अगला है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होता है भाई साहब आपका जवाबदेही किसी चीज़ के प्रति। अगर आपने मान लो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको कोई टास्क दिया गया करने के लिए पूरा, और अब आपकी पूरी जिम्मेदारी है उसको करने की, आप उसकी जवाबदेही भी आपकी है, कोई गलत होता है सही होता है तो आपकी है। तो अकाउंटेबिलिटी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन और फॉर सम एक्टिविटी, किसी चीज़ के लिए जिम्मेदारी, जवाबदेही। ठीक है, अगला है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट तो आप जानते होंगे, मुनीम जो होता है ना, बहुत सुना होगा हिंदी में वर्ड मुनीम। ये पर्सन हुज प्रोफेशन टू कीप अकाउंट, ये क्या करता है, ये पर्सन अकाउंटेंट क्या करता है, ये अकाउंट्स को देखभाल करता है, उनकी जोड़ भाग घोड़ा हटाने मतलब सारा का सारा यही करता है। अगला है एक क्रेडिट। एक क्रेडिट, क्रेडिट तो आप जानते होंगे ना, ठीक है, और एक क्रेडिट होता है गिव क्रेडिट फॉर। ठीक है, अगला चलते हैं एस एकल्टिव। ठीक है, एसर्टिव तो इसे नहीं पढ़ सकते ना, अगले को इसको एकल्टिव ही पढ़ेंगे, एक्रिएटिव पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ लो। ये होता है सहवर्दी, मतलब करेक्टराइज बाई ग्रेजुअल ग्रोथ और इनक्रीज, किसी चीज़ की ग्रेजुअल ग्रोथ और उसमें इंक्रीज हो तो उसको बोलते हैं एक्टिव, सहवर्दी। ठीक है, एक्रूअल अगला वर्ड है आपका। एक्रूअल द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, ठीक है, किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना यानी जोड़ना, एक्रूअल द एक्ट ऑफ एक्यूमुलेटिंग, बढ़ोतरी करना या जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़े जाना, जमा करे जाना है, जमा करेंगे तो बढ़ोतरी भी होती रहेगी। अगला है आपका एक्यूज़र। एक्यूज़र ए पर्सन हु सेज दैट somebody हैज डन समथिंग रॉन्ग इज गिल्टी ऑफ समथिंग, मतलब कोई आदमी कह रहा है कि जिस आदमी ने, जैसे मान लो जैसे जज है, जज ने किसी अपराधी पे दोष लगाया, ठीक है, तो जज होता है एक्यूज़र, ठीक है, और जिस पे दोष लगाया वो होता है एक्यूज्ड, ये एक्यूज़र है, वो जज एक्यूज्ड करता है। ठीक है, जज क्या होता है, एक्यूज़र। तो आप ये इससे मीनिंग समझते हैं कि एक आदमी जो दूसरों पर गलत काम करने के आरोप लगाता है, ठीक है, अभियुक्ता हम इसे हिंदी में बोलते हैं। अगला है एकर्व, मतलब एकर्व होता है हर्श और कोरोसिव इन टोन, मतलब जिसकी टोन थोड़ी विषैली टाइप की हो, सही नहीं हो, है कोरोसिव हर्श हो, ठीक है, तो होता है कसैला। ठीक है, हिंदी इसकी दे रखी है, आप देख लेना। ठीक है, अगला वर्ड पे हम चलते हैं। अगला वर्ड हमारा है, हमने ये कर लिया, एकेटिक, रिलेटिंग टू एन कंटेनिंग एकेटिक एसिड, रिलेटिंग टू और कंटेनिंग एकेटिक एसिड। एकेटिक होता है आपका खट्टा, जो खट्टा एसिड से संबंधित होता है उसे एकेटिक बोलते हैं। अगला होता है एकोस्टिक। एकोस्टिक देखो ये रूट वर्ड है, तो आपको ये याद होना चाहिए, एकोस्टिक होता है, ये रूट वर्ड है एकोस्ट, एकोस्टॉन होता है साउंड, और आई सी सी एस होता है सफिक्स लगता है ये आई सी एस, इसका मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का अध्ययन या ध्वनि विज्ञान जो भी कुछ बोले। ठीक है, अगले वर्ड पे चलते हैं हम। अगला वर्ड है एक्वेंट। एक्वेंट मानी होता है किसी चीज़ से परिचित होना, टू मेक समबडी योर फैमिलियर विद, या अपने आप को किसी चीज़ से परिचित कराना, अवेयर कराना उस चीज़ का है, टू मेक समबडी योर समबडी, किसी चीज़ को योर से अपने आप को फैमिलियर विद, मानी उस चीज़ से फैमिलियर करना, परिचित कराना, या फिर अवेयर कराना टू समथिंग, किसी चीज़ को किसी चीज़ से परिचित कराना या अवेयर कराना आपका होता है एक्वेंट। ठीक है, अगला वर्ड है एक्विजी, बहुत ही ज़्यादा आने वाला वर्ड है, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यूइंग, ठीक है, बिना किसी आर्ग्यू के आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लो, बहुत सीधे साधे आदमी होते हो। एक वर्ड होता है एक्यूज, ये वर्ड है ए सी क्यू यू आई ई एस, तो ये रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है एक सीधा साधा आदमी, उछल नहीं जानता, कपड़ नहीं जानता, बहुत ही सीधा साधा सज्जन, शांत स्वभाव का आदमी होता है, उसे हम बोलते हैं एक्विजी है। ओके, एक्वाइट होता है बरी करना, किसी बरी करना, बरी का मतलब क्या होता है, देखो बरी का मतलब होता है, जैसे हमने आप जानते होंगे ना जेल फेल में होते हैं, क्राइम कर दिया कोई फिर बरी किए जाते हैं, वैसे ही वाला वही वाला बरी होता है एक्वाइट, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, बोल देना, दोष मुक्त कर देना उसको, ठीक है, ठीक है, सॉरी हाँ बरी करना, ठीक है। अच्छा, अगला है एक्विटल। एक्वाइट से ही बना है एक्विटल, तो इसका मतलब ही वही होगा, सेम टू सेम। अगला चलते हैं एक्रिड। एक्रिड होता है हार्श और कोरोसिव इन टून, ये हमने पहले पढ़ लिया है।
ठीक है। अगला है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग एंड वर्ड्स। एक्रीमोनियस होता है उग्र। एंग्री एंड फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग बिटर फीलिंग्स एंड वर्ड्स, किसी चीज़ के लिए बहुत ही गलत भावनाएं आपके मन में जाग जाएं या गलत वर्ड निकलें, उसे बोलते हैं हम एग्रीमोनियस। एक्रीमोनियस है। अगला है एक्रोबैट। एक्रोबैट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाना पूछे जाने वाला वर्ड है और बहुत ज़्यादा सिंपल साधारण वर्ड है, सबसे ज़्यादा सिंपल वर्ड SSC का शायद यही होगा एक्रोबैट। एक्रोबैट क्या होता है? नट जो होता है ना, नट या कलाबाज मान लो, जो रस्सी फस्सी पे चलते हैं ना, अपना करतब दिखाते हैं, वो होता है। एंड एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट एक्ट सच एज बैलेंसिंग ऑन हाई रोप्स, मतलब जो बहुत कठिन टास्क करते हैं, और जैसे एक रोप होती है रस्सी, इस पे यहाँ पे एक आदमी ये खड़ा होता है ऐसे करके हैं, और इसको लाठी लेके दोनों हाथों में बैलेंस कर रहा होता है और चल रहा होता है इस रस्सी पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है वो, ठीक है। एंड एथलीट भी हो सकता है, परफॉर्म द एक्ट दैट नीड स्किल्स, मतलब ये आपको अब समझ में आ गया होगा पूरा है। अगला है एक्रोनीम। एक्रोनीम हो क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा है, जैसे हम SBI लिखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे SSC लिखते हैं स्टाफ सेलेक्शन, ये शॉर्ट में लिखते हैं, ये एक एक्रोनीम कहलाता है। एक्रोनीम क्या होता है? किसी वर्ड के पहले अक्षर से मिलके बना एक नया वर्ड, हम एक्रोनीम कह सकते हैं उसे। ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब किसी वर्ड शब्द के पहले अक्षर से मिला के जो वर्ड बनता है उसे हम एक्रोनीम बोलते हैं। एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर होता है। एक्रोमनी होता है, ये वर्ड याद कर लो, रूट वर्ड है एक्रो, एक्रोमनी हाइट, ठीक है, एक्रोमनी ऊंचाई, फोबिया मनी डर होता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगला है एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक होती है एक पोइम, ए पोइम अदर पीस और राइटिंग, या फिर कोई और राइटिंग, जैसे कोई जैसे एडिटोरियल मान लो, कुछ भी मान लो है, इन विच पर्टिकुलर लेटर इन ईच लाइन यूजुअली फर्स्ट लेटर कैन बी रीड डाउनवर्ड टू फॉर्म ए वर्ड। जैसे हमें ये दिया है कैंडी, वर्ड्स स्पेलिंग आउट एज CANDY, क्रंची एंड च्यू, ऑसम नाइस एंड स्वीट डिलाइटफुल और डिलीशियस एमी ट्रीट, ठीक है। यानी कि जो वर्ड जो होता है आपका, ठीक है, तो इसका मतलब ये, जैसे हम कोई पोइम पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, जैसे आपने एक मिनट पोइम देखी होंगी, पोइम में क्या होता है, एक जो अक्षर होता है पहला लेटर ज़्यादातर मिलता है, जैसे हिंदी की भी आपने इंग्लिश की भी देखी होंगी, जैसे ए माउंटेन एंड स्क्वायरल, कैंडी, यम्मी, डिलीशियस, इसमें इसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्ड हो कैन, तो अगला वर्ड होगा सी, अगला वर्ड भी सी से स्टार्ट हो सकता है, गुड, ऐसे करके, मतलब ये जो पहला अक्षर जो आता है ना उसके लिए एक्रोस्टिक यूज़ होता है। आप ये सही वर्ड है, अच्छा खासा, मैंने भी आज पहली बार पढ़ा है। अगला है एक्ट। एक्ट मानी कार्य करना, टू डू समथिंग, डू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, एक्ट करना आप सब जानते होंगे। एक्टिविस्ट होता है आपका, कार्य करते होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, किसी एक्टिविटी में इंगेज्ड होता है, इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़म, एक्टिविस्ट। अगला है एक्चुअरी। एक्चुअरी होता है आपका मुंशी, आप बोल सकते हैं हिंदी में, समवन वर्स्ड इन कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, स्पेशली समवन हु यूजेस स्टैटिक्स कैलकुलेट इंश्योरेंस पेमेंट्स, मतलब क्या होता है, जो लोग, जो आदमी स्टैटिक्स यानी कि न्यूमेरिकल डाटा का पूरा देखभाल करता है उसे बोलते हैं मुंशी, एक्चुअरी, ओके। अगला है एक्यूमेन। एक्यूमेन होता है आपका, जो एक्यूमेन होता है मतलब जिसके अंदर एक गुड जजमेंट और क्विक डिसीजन लेने की एबिलिटी हो, कुशाग्रता हो, उसे बोलते हैं एक्यूमेन। 60वां वर्ड है एड लिव, बिना तैयारी के या प्रोम्प्टू होता है, और एक और वर्ड होता है एक्सटेम्पोर भी होता है बिना तैयारी के, ठीक है, ये सिनोनिम है एक्सटेम्पोर प्रोम्प्टू, तो ये होता है एड लिव। नॉट प्रिपेयर्ड, प्रैक्टिस्ड, जिसने प्रैक्टिस नहीं की हो पहले से, प्रिपेयर नहीं किया और डायरेक्टली परफॉर्म करने के लिए आ गया हो, ठीक है। अगला होता है एडामेंट, अटल, डिटरमाइंड नॉट टू चेंज योर माइंड, कोई आदमी किसी चीज़ बात पे अगर अड़ गया तो अड़ गया, भाई मेरे को आज कुछ भी करना है तो करना है, होता है एडामेंट। अडेप्ट, अडेप्ट दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडेप्ट, एक होता है एडोप्ट, एक तो एडेप्ट है ये लिख रहा है, एक होता है एडोप्ट, दो वर्ड होते हैं, इनमें कन्फ्यूज़ ना होना, ठीक है। एडोप्ट करना किसी चीज़ को एक तरह से कोद लेना, ठीक है, और एडेप्ट करना मतलब आपको एडजस्ट करना, यहाँ पे लिख रहा है एडेप्ट करना, टू एडजस्ट करना उसके साथ, ठीक है। एडिक्ट होता है नशे की लत, किसी चीज़ की लत होती है ना वो एडिक्ट होता है, एडिक्शन बोल सकते हैं हम इसको, एडिक्ट और एडिक्शन एक ही वर्ड है दोनों, ठीक है।
ए पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑफ हिज फ्री टाइम इन इट, मतलब उसके लिए इतना इंटरेस्ट है किसी चीज़ में, वो उसके लिए अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कर सकता है। जैसे मान लो किसी को मूवी देखने का शौक हो, किसी को क्रिकेट खेलने का शौक हो, तो ये एडिक्शन हो, किसी को किसी चीज़ का शौक हो सकता है, ठीक है। एडिक्शन भी आपका यही होता है, सेम टू सेम सिनोनियम है दोनों के, लेकिन ये लत होती है, नशेबाज भी हो सकते हैं, दारू का शौक, किसी चीज़ का शौक हो सकता है, ठीक है। अगला है आपका एडेप्ट करना, एडेप्ट होता है आपका निपुण होता है किसी चीज़ में, ए पर्सन हु इज़ गुड एट डूइंग समथिंग दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है। एक आदमी जो किसी चीज़ में, जो कि कुछ मुश्किल काम हो उसको करने में मतलब परफेक्टली निपुण हो, उसे बोल सकते हैं एडेप्ट, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ ये वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा की, हमारी 21 मिनट की पहुँच चुकी है, तो मुझे लगता है कि आज के लिए शायद इतना ही रहने देना चाहिए। हमारे 65 वर्ड तक हम पहुँच गए हैं, यानी कि आज हमने इसमें 50 वर्ड कवर कर लिए, शायद मेरे हिसाब से वीडियो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अगर आपको अच्छी लगी तो बस एक काम करना, आप सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। अगली वीडियो बहुत ही जल्द आपको मिलेगी, ठीक है भाई। आप मेरे ऊपर छोड़ दो, इंग्लिश की सारी वोकैबुलरी आपके पास खूब सारे वर्ड हो जाएंगे, मेरे पास कॉपी इतनी बनी रखी है ना वर्डों की, हिंदू फिंदू मतलब काफ़ी सारे मेरे पास वर्ड अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन यह याद करना आपके ऊपर कर पाऊँगा मैं इस चैनल पर, ठीक है। तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।